नासा के हबल टेलीस्कोप के माध्यम से जानकारी मिली कि हमारी गैलेक्सी के छोर पर एक ऐसा ग्रह मौजूद है जिसका वायुमंडल लगभग 13 अरब वर्ष पुराना है। यह ग्रह दृश्य ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बूढ़ा ग्रह माना जाता है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 1.5 अरब वर्ष पुराना है और इसका जन्म बिग बैंग से यानी ब्रह्मांड के जन्म से कुछ ही करोड़ वर्ष पश्चात हुआ था। ब्रह्मांड के सीनियर सिटीजन का नाम है PSRB162026b। इसके दो और अनऑफिशियल निकनेम भी हैं, जिनमें से एक है मैथ्यू सेला, दूसरा है द जेनेसिस प्लैनेट। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 12,400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और इसका घनत्व शुक्र ग्रह से 2 गुना ज्यादा है। मजे की बात तो यह है दोस्तों कि ये करिक्रम बाइनरी प्लैनेट है। करिक्रम बाइनरी प्लैनेट उस ग्रह को कहते हैं जो एक नहीं बल्कि दो दो तारों का चक्कर लगाता हो। ये जिन दो तारों का चक्कर लगाता है उनमें से एक है पल्सर स्टार और दूसरा तारा है व्हाइट ड्वार्फ। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दो तारे भी 14 करोड़ किलोमीटर के अंतर से एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। इस तरह से ये दो तारे और ग्रह जैसे एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। इस सिस्टम को बाइनरी सर्कल सिस्टम कहा जाता है। इस ग्रह के बारे में सबसे पहले उल्लेख रोनाल्डो बैक नाम के वैज्ञानिक ने किया था और बाद में हबल टेलीस्कोप ने उसकी पुष्टि की थी। हमारे ब्रह्मांड में 13 अरब साल से लेके अब तक कई ग्रह मौजूद हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस बूढ़े ग्रह के अस्तित्व को आप ब्रह्मांड का एक अजूबा भी मान सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।